मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। इसने भारतीय वसुंधरा पर पहली बार एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करके भारत को राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया था। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य कौन था, उसका प्रारंभिक जीवन कैसा था, मौर्य वंश की उत्पत्ति कब और कैसे हुई, इन सभी प्रश्नों के उत्तर के बारे में हम जानेंगे। इससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा अंत तक देखें। चंद्रगुप्त मौर्य का शुरुआती जीवन बहुत ही कष्टमय गुजरा। वह एक गांव के मयूर पोषक जाति के किसी सरदार का पुत्र था। कुछ विद्वानों के अनुसार उसके पिता की मृत्यु किसी सीमावर्ती झगड़े में हो गई और उसकी माता अपने जीवन को बचाने के लिए पाटलिपुत्र में आ गई। उस समय चंद्रगुप्त अपनी माता के गर्भ में था। पाटलिपुत्र में ही उसका जन्म हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य के बचपन का जीवन एक शिकारी के यहाँ बीता। वह बचपन से ही तेज और बुद्धिमान था। कुछ समय बाद उसकी मुलाकात चाणक्य से हुई। चाणक्य उसकी शौर्य और साहस से प्रभावित होकर अपने साथ तक्षशिला ले गया। चाणक्य नंद सम्राट द्वारा कभी अपमानित हुआ था और नंद वंश को खत्म करने का प्रण लिया। उसने उसी समय चंद्रगुप्त को नंद वंश की राजगद्दी पर बैठाने का संकल्प किया। किसी वजह से चंद्रगुप्त भी नंद वंश से नाराज था। अगर हम बात करें चाणक्य की, तो चाणक्य भी नंद वंश की नीति से संतुष्ट नहीं था। वह एक महापंडित था। तक्षशिला विश्वविद्यालय में वह आचार्य था। चंद्रगुप्त और चाणक्य का लक्ष्य एक ही था, किसी तरह नंदवंश की विनाश हो जाए। 332 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य की स्थिति बिगड़ गई। इन हालातों का लाभ चंद्रगुप्त को मिला। उसने चाणक्य की सहायता से सिकंदर के साम्राज्य पर विजय प्राप्त कर ली। उसके बाद उसने नंदवंश पर विजय प्राप्त करने की सोचा। सबसे पहले उसने मगध साम्राज्य के बीच के भाग पर आक्रमण किया, लेकिन वह असफल रहा। अपनी भूल को सुधार कर उसने सीमावंत प्रदेशों को जीता और फिर उसके बाद नंदो की राजधानी पर विजय प्राप्त कर लिया और एक विशाल साम्राज्य का राजा बन गया। चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह सेलूकस की पुत्री से हुआ था। सेलूकस ने अपने राज्य के 4 प्रांत चंद्रगुप्त को दे दिया था। चंद्रगुप्त ने सेलूकस को 500 हाथी उपहार के रूप में दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य एक विशाल साम्राज्य का राजा था। सेलूकस ने उसे जो प्रदेश दिए थे, उनके मिलने से साम्राज्य की सीमा हिंदुकुश पर्वत तक पहुंच गई, जो कि भारत की वैज्ञानिक सीमा है। लगभग 24 वर्षों तक शासन करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य की 298 ईसा पूर्व में मृत्यु हो गई। उसके अंतिम दिन कैसे बीते, इसके बारे में विद्वानों का मानना है कि अंतिम दिनों में वह भद्रबाहु के साथ नैशूर की पहाड़ियों में चला गया और जैनमत की रीति के अनुसार उपवास करते हुए मृत्यु को प्राप्त हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आपको ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।